गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। वी आर गोइंग फॉर अ न्यू सेशन इन एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था, आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इसे इसमें ज़मीर कहते हैं, मराठी में सर्वनाम कहते हैं। अ वर्ड डैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज, ऐसा शब्द जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अ वर्ड डैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। एक वर्ड जो किसी प्रॉपर नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। सना इज़ अ ब्रिलियंट डॉक्टर। सना इज़ अ ब्रिलियंट डॉक्टर। शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब सना की जगह शी यूज़ किया, यानी शी क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। सना नाम है, नाउन है, शी प्रोनाउन है। समीर इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया समीर की जगह पे ही। मोबाइल इज़ कॉस्टली, मोबाइल महंगा है, तो मोबाइल की जगह यूज़ किया इट इज़ कॉस्टली, यानी इट यूज़ किया है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन टेबल ऑफ केस। ये आपको ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसे पर्सन और केस के हिसाब से याद रखना चाहिए। जैसे कि आई, आई नॉमिनेटिव केस में है, हमेशा नाम के सामने आता है। आई उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, पसेसिव केस होगा माई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आएगा वी, उसका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा अस, उसका पसेसिव केस रहेगा आवर। सेकेंड पर्सन में यू, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी रहेगा यू, उसका पसेसिव केस रहेगा यूअर। सेकेंड पर्सन ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था दाव, दाव का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा दी, पसेसिव केस रहेगा दाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल में हम यूज़ करेंगे ही, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पसेसिव केस होता है हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल में यूज़ करते हैं शी, नॉमिनेटिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है हर, और पसेसिव केस में भी हर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, ये दोनों के लिए, यानी मेल फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव केस में दे यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा देम, और पसेसिव केस में देयर। थर्ड पर्सन न्यूट्रल जेंडर में इट, नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में इट, और पसेसिव केस में इस, इट्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं दूसरा प्रोनाउन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहला देखे थे पर्सनल प्रोनाउन, अब ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करने वाला प्रोनाउन, जैसे कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुम, हूज, हाउ। कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट यानी क्या, हु, हु यानी कौन, हु आर यू तुम कौन हो, व्हेन यानी कब, व्हेन विल यू कम, वेयर, वेयर यानी कहाँ, वेयर आर यू, व्हाई, व्हाई यानी क्यों, व्हाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, व्हिच, व्हिच यानी कौन सा या कौन सी, व्हिच बुक इज़ योअर्स, तुम्हारी बुक कौन सी है, होम, होम यानी किसे, होम डू यू वॉन्ट टू टॉक, तुम किसे बात करना चाहते हो, हुज, हुज यानी किसकी, हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें, ये बुक्स किसकी हैं, हाउ यानी कैसे, यानी तुम कैसे हो, हाउ आर यू। नेक्स्ट, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दो चीज़ें हैं, नियर और फार। नियर के लिए यानी नज़दीक के लिए यूज़ करते हैं, फार यानी दूर के लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के लिए दिस और फार के लिए डैट। प्लूरल में नियर के लिए दीज और फार के लिए दोज, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, अगर ये नियर के लिए यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, तो प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे, दीज आर माई बुक्स, डैट इज़ यूर पेन, दोज आर यूर पेन, इस तरीके से यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉमन प्रोनाउन, द लास्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, एवरी, ईच, सम, फ्यू, नाइदर, सेवरल, मच, मैनी, लिटल, सर्टन, ऑल, होल, नो, नन, एनी, एनफ, अलोन, ओनली, अदर, अनदर, वन। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन प्रोनाउन, एवरी मैन हैज सम डिफेक्ट्स इन हिम, फ्यू ऑफ देम डिजर्व दिस टाइटल,
Each of you will be awarded. Many of them were students. There is much sugar in this cup. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।